हाय दोस्तों, सुंदर बालाजी टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको लॉयड वॉशिंग मशीन का प्रॉब्लम। क्लाइंट का प्रॉब्लम था, स्पिन नहीं चल रहा है। अभी हम जाके चेक करते हैं। पहले लोड पावर ऑन करके स्पिन मोड में जाके स्टार्ट करते हैं। फुली ऑटोमेटिक लॉयड टॉप लोड वॉशिंग मशीन है ये। स्पिन मोड पर गए हम लोग, स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में 01, उसके बाद में स्पिन पर जाएगा। 7 मिनट दिखा रहा है, अभी तक स्पिन स्टार्ट नहीं हुआ और एरर क्या आता है देखिए दोस्तों। E3 का एरर आया। E3 का एरर किस चीज़ का होता है मैं आपने बताने जा रहा हूँ। क्लियर, एकदम ओपनली दिखाने जा रहा हूँ। पीछे का बैक कवर ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद में देखिए, यहाँ पे दो डोर स्विच होते हैं। डोर स्विच कभी कभार डिसकनेक्ट हो जाता है, या फिर चूहे ने वायर काटा होता है, या फिर डोर स्विच ख़राब हो जाता है कार्बन की वजह से भी होता है। ये एक डोर स्विच है, दूसरा ये डोर स्विच है। आपको दोनों डोर स्विच को डिसकनेक्ट कर देना है और उसको मशीन डायरेक्ट मार देना है जंपर मार के, या फिर शॉर्ट कर देना है दोनों को, वायर को शॉर्ट करने के बाद में अपना E3 एरर चला जाएगा और अपना स्पिन स्टार्ट हो गया। मैं आपको एक बार वापस दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, अपना स्पिन चालू है। दोनों वायर को मैंने जॉइंट करके रखा है। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।